मुंबई सपनों का शहर, लाखों लड़के लड़कियां कलाकार बनने, नाम और शोहरत का सपना लेकर इस शहर में अपनी किस्मत आजमाने आते हैं, पर कलाकार बनने का सफर उतना आसान नहीं है। ये शहर कुछ देने से पहले बहुत कुछ लेता है, संघर्ष, मुश्किलें, तकलीफें, निराशा, पर इसके बदले में मिलता है कामयाबी, दौलत, शोहरत। तभी तो मुंबई को सपनों का शहर कहते हैं। बातें सितारों की, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम आपको मिलवाते हैं फिल्मी दुनिया के कुछ उभरते हुए कलाकार। बातें सितारों की, बातें सितारों की, बातें सितारों की, बातें सितारों की। इतनी रात को चड्डा साहब को फोन करके हम लोगों को ऊपर नहीं जाना है। आइए सुनते हैं इनकी कहानी, इन्हीं की जुबान। 1992 में मैंने अपना घर छोड़ दिया था। घर पे काफ़ी परेशानी थी। 93 के स्टार्टिंग में मैं बॉम्बे आया, तब मैं 12 साल का। 10 से 12 साल मैंने जुहू बीच पर अपना समय बिताया, स्टॉल में काम किया, पार्किंग में गाड़ी साफ किया, बहुत सारे छोटे मोटे काम किया मैंने। जो बीच पे काफी सारे एक्टर भी आते थे, उनको देख के ऐसा लगता था क्यों ना मैं भी ऐसा करूं। ऑडिशन देने जाना है तो ऑडिशन कैसे लेना? कई बार तो ऐसा हुआ कि ऑडिशन देने गया मैं और स्क्रिप्ट दे दिए मुझे, और स्क्रिप्ट देखने के बाद मैं घबरा जाता था कि यार इतने सारे डायलॉग बोलूँ कैसा। मैं क्या करता था, स्क्रिप्ट को मोड़ता था, अपने पॉकेट में डालता था और बाहर से भाग जाता था। फिर एक बार मुझे हिम्मत आया तो मैंने 3 डायलॉग बोला, ऑडिशन दिया मैंने। कुछ टाइम के बाद मुझे एक दिन अचानक कॉल आया और GTV का शो था, हेमा मालिनी जी उनका प्रोड्यूसर थे। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैंने अपने घर पर फ़ोन करके बोला भी कि मैं आज से शूटिंग पे जा रहा हूँ। आज मैं सावधान इंडिया का 57 एपिसोड कम्प्लीट किया हूँ। मैं CID किया हूँ, मैं काफ़ी सारे एपिसोड और भी बहुत सारे एपिसोड किया हूँ। मैं रिलायंस कंपनी के लिए मैंने कुछ सीरियल्स किया जिसमें से एक में मैं मेन विलन हुआ। काफ़ी सारे ऑडिशन दिया हूँ मैं, और ऑडिशन देने के बाद हमेशा उम्मीद में बैठा रहता था कि चलो कॉल आ जाएगा, कॉल आ जाएगा, कॉल आ जाएगा, लेकिन कॉल नहीं आते थे। कई दिन बीत जाते थे और खाने के लिए पैसा नहीं होता था, चल चल के जाता था और कई चक्कर मारता था। ऑडिशन देने के बाद भी कई चक्कर मारता था कि क्या सर मेरा कुछ हुआ क्या? तो वो लोग एक ही बात बोलते थे, हाँ होगा तो बता देंगे। और कहीं पर भी अगर फिट भी हो जाता तो कोई ना कोई आकर वहाँ पर मुझे रिजेक्ट कर देते थे, और मैं काफ़ी दुखी हो गया था और परेशान भी काफ़ी हो गया था, क्योंकि खाने के लिए पैसे नहीं है, आने जाने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए पैसे नहीं होते थे, और ऑडिशन देने के चक्कर में कई तो काम भी छूट गया था। ऑडिशन देने के बाद जब रिजेक्ट कर दिया जाता था तो काफ़ी दुखी हो जाता था। फिर मैंने सोचा कि यार ये मेरे लिए काम नहीं है शायद, लेकिन कहीं ना कहीं पर ना मेरे अंदर की जो एक्टर का जो कीड़ा होता है ना वो जिंदा था। वो मुझे हमेशा अंदर से बोलता था कि नहीं सुब्रतो तू कर सकता है, अपनी गले के स्पीकर को ना जरा धीरे कर। जैसे कि इंसान के अंदर एक दो पार्ट जो होता है बहुत ही अहम होता है, एक होता है दिमाग और दूसरा होता है दिल। और मैंने हमेशा अपने लाइफ में दिल का ही सुना हूँ ज़्यादातर। इंसान को सबसे पहले ना खुद के साथ लड़ना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे अंदर का जो एक एक कोई एक ऐसा भाग होता है जो हमें करने के लिए हाँ बोलता है, और एक दूसरा पार्ट होता है जो हमें करने के लिए हिम्मत नहीं देता, मना करता है। ये दिमाग और दिल की लड़ाई में हमेशा मैंने दिल का ही सुना है, और मैंने देखा है कि दिल का ही जीत होता है हमेशा।